में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप एक मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे। इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, आपके पैन कार्ड पर जो नेम है वो आपके सामने आ जाएगा, आप कंफर्म करेंगे। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कंसेंट देंगे और गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ एंटर करेंगे। आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा रहा है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। आपका नेम, एड्रेस और आपका फोटो ये आपके आधार कार्ड से फेच कर लेगा। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, तो इसके लिए आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। इसके बाद सबमिट डिटेल्स। इसमें आप अपना फादर नेम और मदर नेम एंटर करेंगे। नॉमिनी ऐड करने के लिए इसको आप यस करेंगे। नॉमिनी आप किसको बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे और नॉमिनी का एड्रेस फिल करेंगे। और अगर नॉमिनी का और आपका एड्रेस सेम है तो इसको आप यस करेंगे। इसके बाद सबमिट डिटेल्स। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है अगर आप उसको कम्युनिकेशन एड्रेस बनाना चाहते हैं तो इसको आप यस करेंगे। इसके बाद अपडेट एड्रेस। इसके बाद अपना ऑक्यूपेशन और अपनी इनकम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और सबमिट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। सभी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कंटिन्यू। आपके आसपास में एयू बैंक की जो भी ब्रांच होगी उसी में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पर क्लिक करेंगे, वरना आपके सामने ब्रांच का एड्रेस आ जाएगा, आप कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको अकाउंट टाइप चूज करना होगा, किस तरह का अकाउंट आप ओपन कराना चाहते हैं। नीचे आप एक्सप्लोर अदर अकाउंट टाइप्स पर क्लिक करेंगे। आपके सामने कई तरह के अकाउंट्स आ जाएंगे, किस अकाउंट में आपको कितना बैलेंस मेंटेन करना है और उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो आप यहीं पर देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट मिल जाएगा। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है तो इसको आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, चूज द अकाउंट। अगर आप चाहें तो इस अकाउंट में कुछ फंड ऐड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है तो आप यहाँ पर इसको स्किप कर देंगे। इस अकाउंट के साथ अगर आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक दोनों चाहिए तो इसको आप टिक रखेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको वीडियो कॉल के थ्रू फुल केवाईसी कंप्लीट करनी होगी तो आप इनिशिएट वीडियो कॉल पर क्लिक करेंगे। बैंक की तरफ से एक एजेंट आपसे जुड़ जाएगा। जैसे कि बैंक की तरफ से एक एजेंट यहाँ पर जुड़ चुका है, इसके बाद वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो कॉल पर एजेंट को आप अपना पैन कार्ड दिखाएंगे और साथ ही एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाएंगे तो आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट को बिना किसी लिमिट के यूज कर पाएंगे। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होते ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप एयू डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और इसमें लॉगिन करके आप अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। आपका डेबिट कार्ड और चेकबुक बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया